नमस्कार, श्रम समाचार में आपका स्वागत है। विगत दिनों पेपर में, पत्रिकाओं में और माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में काफी कुछ आया कि देश में गरीबी का आंकड़ा, यानी देश में गरीबी घटा है, लोग खुशहाल हुए हैं। तो श्रम एवं समाज कल्याण के एक छात्र होने के नाते और इसका मूल्यांकन करना अब हमारे लिए भी स्वाभाविक हो गया। हम कैसे मूल्यांकन करें? श्रम क्षेत्र में कार्य करते हैं, श्रम क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, और तो इस गरीबी के आंकड़ा का मूल्यांकन कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा अब आज के आकलन में आप देखें, 2014 में औसत आय भारत का 4 लाख रुपया था, औसत आय 4 लाख रुपया। 23 में ये 13 लाख रुपया हो जाता है, औसत आय 13 लाख। 5 साल में 13 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। ये जो आज का सर्वे लोग कर रहे हैं उनका ये आकलन है। 2011 में भारत संसार के बड़े देशों में, आर्थिक रूप से समृद्ध देशों में 10वें पायदान पर था, 10वें पायदान पर। और 2023 में भारत विश्व का 5वें पायदान पर पहुंच गया, यानी आर्थिक दृष्टि से देश सुदीर्घ हुआ और वो पायदान नीचे से बढ़ के सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम 5वें स्तर के हम हो गए। अब देखें, कोई भी जो आम जनता है, देश में गरीबी रहा है, गरीबी अभी भी है, लेकिन बहुत तरह की योजनाएं देश में चल रही हैं। अभी भारत सरकार विश्वकर्मा योजना लागू करने जा रही है। अब विश्वकर्मा योजना जो लागू होगा उसमें इस तरह विश्वकर्मा क्षेत्र के, इस पर मेरा वीडियो इसके पहले आ चुका है, पुनः आएगा, यानी जो बढ़ई हैं, लोहार हैं, उस बिरादरी से आते हैं जो जिनका कौशल कलात्मक है, उनके लिए जनधन योजना टाइप से ये योजना आएगा, उनको समृद्ध करने के लिए आएगा और उनके ऊपर 13,000 करोड़ रुपया का खर्चा होगा। अब आप ये देखें कि 13,000 का खर्चा होगा। अगला वीडियो जो बनाए थे, मुझे स्मरण आ रहा है कि विश्वकर्मा सेक्टर के जो बढ़ई हैं, लोहार हैं, पलंबर हैं, बिजली मिस्त्री हैं, उनके लिए भी अब अलग से विभाग होगा और विभाग में वो प्राध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति 3 वर्ष की होगी। ये हमें वीडियो अपना आ चुका है, यानी सरकार की योजना में ये विषय आ गई है, वहां इतना जोर है। अब देखिए, जब 14 के बाद मोदी जी की सरकार आई तो जनधन योजना शुरू किया। अब जनधन योजना का कुछ अलग है। अब सिर्फ एक मूल्यांकन तो आपको जनधन योजना का करना होगा। ये जीरो बैलेंस के ऊपर खोला गया, जीरो बैलेंस, और आज करोड़ों अरबों रुपया इस खाते में जमा है, इस खाते में जमा है करोड़ों अरबों। और उसके बाद देखें कोरोना का काल आ गया, इस देश के लिए संकट का समय आ गया, लेकिन कोरोना के काल में मुफ्त राशन अब 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, यानी देश की जो कुल आबादी है उसमें 80 करोड़ जनता को भारत सरकार राशन फ्री में बिना पैसा लिए मुहैया करा रही है। उसके ऊपर भी अपना वीडियो रहा है।
और इसका एक कारण और देखिए, गरीबी दूर होने का, कहीं से भी आपको पैसा आना है जाना है तो आधार आ गया, आधार प्लस खाता आ गया, खाता प्लस पैन कार्ड आ गया और सीधा पैसा खाता में चला जा रहा है। तो भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, हम उसके ऊपर मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन कम हुआ। अब पैसा जो चला तो आधार है, खाता है, पैन है, तो सीधे उसके खाते में लाभुक जो व्यक्ति है। किसानों के लिए अंशदान 6,000 रुपया का आ गया, अब जो किसान है उसके खाता में 6,000 रुपया आ गया, स्वाभाविक है। और देखिए ये कौशल का कार्यक्रम आ गया, इसी कौशल के कार्यक्रम में अभी 4-5 दिन पहले भी अपना एक वीडियो अग्निवीर पर आया था। अग्निवीर जो फौज में 4 बरस की सेवा के लिए बच्चे जा रहे हैं, दरअसल ये हमारे समझ से ये और कुछ नहीं कौशल कार्यक्रम है, यानी युवा को सभी तरह का ज्ञान यानी उसके तकनीक का ज्ञान देना, ताकि तकनीकी जो है हर 10 बरस में जो आज रोजगार है वो नहीं रहेगा, 10 बरस में रोजगार नहीं रहेगा। पहले मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था, आज मोबाइल आ गया, हो सकता है 10 बरस के बाद ये मोबाइल समाप्त हो जाए, कुछ और आ जाए। पहले 20 बरस पहले देखें, 15 बरस पहले देखें, सभी चौक चौराहे पर एसटीडी बूथ हुआ।